Well, congratulations to. Yes, sir. Just a minute. ओके राधिका, विल बी वेटिंग फॉर यू. शुभम, फाइनली कॉन्ग्रेचुलेशंस. मेरे ख्याल से पहले तेको SFM में एग्जेम्पशन ऑलरेडी था, और उसके बाद आज तू ग्रुप वन क्लियर यस करके सर, तेको और एक जगह पे एग्जेम्पशन आया. किसमें आया ग्रुप टू में एग्जेम्पशन? सर IIT में एग्जेम्पशन है 68। IIT में एग्जेम्पशन है, पर 3 सब्जेक्ट और बाकी है, तो CA वर्ड्स लेने में थोड़ा और मेहनत करना तुझे, है कि नहीं? टू सर गुड, वंडरफुल. प्रियंका कॉन्ग्रेचुलेशंस. थैंक यू सर। अब प्रियंका एकदम खुश लग रही है. प्रियंका, स्कोर्स बता यार तेरे. अच्छा, सर स्कोर 62 इन FY, 56 इन SFM, 14 ऑडिट एंड 56 इन लॉ। अरे 14 ऑडिट. एक बंदे को मैंने बुलाया प्रियंका अभी, आई डोंट नो वेदर बाल ही बाल विल बी आई बच्चे। विल बी एबल ही विल बी एबल टू ज्वाइन और नॉट. ही इज गॉट एग्जेम्पशन इन ऑल 4, और ऑडिट में उसको 68 आया. मेला सबसे पहले तो पूरी दुनिया तुझे ऑडिट पूछने वाली है कि ऑडिट में 68 आते कैसे. कैसे पढ़ा? सीरियसली सही यार, बात है सर। एंड टू गुड मैं प्रियंका. एक ऑडिट का पेपर देख के आई वाज लाइक कि मतलब बहुत जनरलाइज्ड पेपर था, तो मेरे को ये नहीं समझ आया कि स्पेसिफिक होते तो पॉइंटर्स याद है लिख दिए, और मेरे को इतना जनरलाइज्ड लगा, मेरे को आके ऐसे था भगवान जी प्लीज 40 दे देना, और यही था कि अगर 40 आ गए तो निकल जाएगा। और भगवान जी ने तेरे को एग्जैक्टली 40 दिए. सुबह भी रिजल्ट ओपन करती ना, मैंने सबसे पहले यही देखा ऑडिट में 40। चलो, ग्रेट है, ग्रेट है. गौरव, मैं तेरा सर इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ इन लोग से. सो ओके गौरव, सर, प्रियंका एंड शुभम एंड राधिका. गौरव हैज़ ऑलरेडी बिकम चार्टर्ड लॉन्ग टाइम बैक, तो बंदा हमें पुश करने के लिए आ जाता है, ठीक है, आप लोगों को. सो ये बंदा आपको बोलने वाला है कि अब तुम रेस्ट नहीं कर सकते हो, अभी तुम्हें और मेहनत करनी यस, प्लान टू डू समथिंग मोर। है ना? तो गौरव हैज़ ऑलरेडी यस कंप्लीटेड. व्हाट गौरव, चल अभी तू अपना बायोडाटा बता दे. आई कंप्लीटेड माय CFA, आई हैव गिवन माय ACCA प्रोफेशनल एग्जाम आल्सो, नाउ आई एम प्लानिंग फॉर CPA। ये बंदा थकने नहीं वाला, मेरे को लगता है ये खाली डिग्रीज जमा कर रहा है. सर आई एम आल्सो प्लानिंग फॉर CPA, कैन यू गाइड समथिंग? CPA यस प्लीज. प्लानिंग आई एम प्लानिंग टू डू CPA, आई एम आल्सो आई विल जस्ट लेट यू नो, डेफिनेटली लेट यू नो। बट प्रियंका, अगर तू इंडिया में है ना, तो सबसे पहले यू कैन एक्चुअली प्लान समथिंग विच इज CFA. सो यू कैन प्लान सीएफए दैट. या सर, सो सीएफए बहुत लंबा ड्यूरेशन का कोर्स हो जाएगा ना? नहीं, इट्स 3 लेवल्स, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। फिर उसके लिए ट्रेनिंग भी तो सर कहते हैं कि जरूरी होती है ना? सीएफए तो में तुम्हारी ड्यूरेशन ज्यादा है आर्टिकल्स सर. पे फिर मांगी सीएफए कौन सी? तेरा, प्रियंका अपना SFM हो गया ना, तो तेरा 70% CFA हो चुका है, ठीक सीएफए है. हो गया, बाकी ऑल का सब्जेक्ट रिलेटेड सीए ओनली। एवरी सब्जेक्ट इज रिलेटेड टू CA. तो अभी तुझे सिर्फ जाके एग्जामिनेशन देना है प्रियंका, और थोड़ा बहुत हाई लेवल की जो चीज़ें चाहिए होती है वो यहाँ वहाँ से यूट्यूब से मिल जाती है. यू डोंट रिक्वायर एनी अदर क्लासेस, ठीक है. और ठीक है सर। ACCA तो इज सेकेंड CA, इट्स लाइक लिटिल बिट लेस देन CA, तो वो तो यस ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा, है ना? तो मैं एंड अब जॉइन मैं KPMG। ना गौरव को बुलाते रहता हूँ. जब तुम लोग चार्टर्ड बनते हो तो मैं गौरव को बुला देता हूँ इनको यस यस बोलने के लिए कि बस चार्टर्ड बन गए, अभी उड़ना नहीं है और कुछ करना है, ठीक है हम लोगों को. योर टू गुड. हाय राधिका, बायोडाटा शुड बी गोइंग अप ओनली कैन वी सी यू अगेन? राधिका, सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर, कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक कॉन्ग्रेचुलेशंस. यू सर, थैंक यू सो मच सर। गिव अस योर स्कोर्स. सो हैप्पी यू आर. सर थैंक यू, आफ्टर एक्चुअली दिस सक्सेस वाज आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। वी कैन सब अंडरस्टैंड फोर्थ दैट. और फिफ्थ अटेम्प्ट आई सपोज, इट इज फोर्थ अटेम्प्ट। भूल जाओ, अभी क्या फर्क पड़ता है, फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट, फोर्थ अटेम्प्ट. नाउ यू गॉट द टू वर्ड्स, नाउ इट्स डन, व्हाट्स अप. या यस ट्रूली यस सर। जस्ट जस्ट बिफोर स्टार्टिंग दिस राधिका, आई जस्ट गॉट अ कॉल. आई वाज टॉकिंग टू प्रियंका एंड आई वाज टॉकिंग टू शुभम. आई गॉट अ कॉल फ्रॉम अ लेडी हु इज 50 इयर्स ओल्ड. सीए ओह कंप्लीटेड ओके एंड शी डिड एवरीथिंग एज सेल्फ स्टडी. शी डिड नॉट टेक एनी लेक्चर. शी वॉज जस्ट फॉलोइंग मी ऑन यूट्यूब. एंड शी सेड आई ओके जस्ट मेड अ बेस एंड आई यू नो कंप्लीटेड विद स्टडी मटीरियल एंड शी क्लियर्ड सीए. राधिका, ओह मैंने उसको कहा कि मैं अभी जूम पे हूँ तो ज्वाइन कर ओके लो 2 मिनट के लिए. तो शी इज़ लाइक, नो आई एम नॉट सो टेक सेवी. सो इट्स सो ओह फैबुलस, यू नो. सो भूल जाओ, ओह
सेकंड अटेम्प्ट थर्ड अटेम्प्ट सब भूल जाएंगे यस जो बॉल यस थी वो आई भी वाज लाइक क्राइंग एंड जॉय क्राइंग ऑफ टीयर्स ऑफ जॉय टुडे मॉर्निंग आई गाइस जरा ऑफिस में जाने के लिए भाग रही ना ठाकुर किधर गया ठाकुर यू लॉस्ट द कनेक्शन गौरव यू कैन लीव बेटा थैंक यू यू हैव अ मीटिंग थैंक यू सर थैंक यू बॉस सर नहीं एक्चुअली द कोर्स जॉइन केलेला पोस्ट क्वालिफिकेशन टॉकिंग अनिकांत को हम लोग म्यूट कर देते हैं ठीक है ना ओके से बट वन थिंग टू से दैट ही परफेक्ट बुक इज रियली कमेंडेबल मतलब वो लास्ट डे कितनी हेल्प करी थी जिस दिन एग्जाम था उस दिन भी दो बार पढ़ ली गई थी तब जाके मतलब पेपर में फॉर्मूलाज वर लाइक ऑन द टिप्स ऐसे लग रहा कि पता है सब कुछ बट टिक टिक वाला सीन हो रहा था अच्छा है ना मैं उसे रिवैम्प कर रहा हूं बहुत अच्छा बहुत अ बिट मोर कलरफुल मतलब शुरू में लग रहा था कि मतलब 500 इतनी सी बुक वो मतलब है ना बनिया थॉट्स 500 रुपए बट जब पढ़ना शुरू किया ना उससे और उसके वो जो लेक्चर्स आपने डाल रखे अनअकैडमी पे वो फ्री वाले लेक्चर्स और यूट्यूब पे भी उनसे इतनी हेल्प हुई इतनी ज्यादा मतलब मैंने 3-4-5 बार तो पॉकेट बुक ही कर ली होगी फाइनल पुश ही उस टाइम पे दो बार हो गया था आई स्वेयर मैं तेको मतलब एक सीरियसली एक जोक बताता हूँ ठीक है उसके लिए तो पॉकेट बुक का अगर तू कवर पेज और बैक पेज देखेंगे ना तो वहाँ पे मेरा कहीं पे भी फोटो नहीं है ठीक है नहीं आई सीरियसली डोंट नो व्हाई इट हैज हैपेंड लाइक दैट बट आई डोंट नो तो मैं एक बार एयरपोर्ट पे था आई वाज एट मेरे ख्याल से दिल्ली एयरपोर्ट पे था एंड आई जस्ट सॉ स्टूडेंट सिटिंग राइट बिसाइड्स मी और वो मेरा ही पॉकेट बुक से SFM रिवाइज कर रहा था ठीक है तो आई वाज लाइक CA कर रहे हो बोलता है हाँ बोलता है ये बुक ले लो आप बहुत मस्त है बोला अच्छा थैंक यू बोलता है आप भी CA फाइनल करो मतलब हाँ मैं भी CA फाइनल कर रहा हूँ बोलता तो ये बुक तो आपके लिए बहुत कंपलसरी है यू हैव टू टेक दिस बुक बोला अच्छा पक्का आई विल टेक इट आई डोंट नो वेदर ही रियलाइज इट और नॉट हुम इज ही टॉकिंग टू बट इट इज सो फन सो गुड ना इट वाज सो सीरियसली इट वाज सो फन देन फैक्ट मेरा खुद ऐसे होता था लेने के बाद जब मैंने वन टाइम वो पढ़ ली थी ना तो जो पे मिल ले भाई ये बुक ले ले 500 रुपए जरूर लग जाएंगे पर वर्थ इट है तुम लोग को सेलिंग एजेंट बना देता हूँ फिर ऐसे कमीशन पे रखता हूँ तुम लोग को हाय निमेश लाइब्रेरी जाते जो बोलता भाई ये बुक ले ले ऐसे पे पास हो जाएगा नो नो गॉड्स ब्लेसिंग प्रियंका बट वी सेल अ लॉट ऑफ दोस बुक्स ठीक है सेल अ लॉट बहुत अच्छी है बहुत अच्छी मतलब एवरीडे अपने ऑफिस से ना 5-6 तो बहुत क्रिस्प में बहुत सारे मटेरियल अभी थोड़ा और मेहनत कर रहा हूं अभी जो तुम्हारी कंपाइलर थी उसे और फाइन ट्यून कर रहा हूं CA फाइनल के लिए हर एक चैप्टर में क्वेश्चन के सीक्वेंसेस बना रहा हूँ बराबर से कि कॉन्सेप्ट होगा तो वही कॉन्सेप्ट के सीक्वेंस में सारी चीज़ें मिलेगी है ना ऐसे तुम्हारे बहुत स्माइलिंग फेसेस देखने मिलेंगे मुझे हर साल हाय निमेश हाय सर निमेश यार कांग्रेचुलेशंस फर्स्ट ऑफ ऑल शेयर योर रिजल्ट बेटा शेयर योर रिजल्ट सो या आई स्कोर्ड 56 इन FR आई स्कोर्ड 67 इन SFM डन 61 इन ऑडिट And 56 in law. I cleared my group 1 this time. 240 total. Absolutely. मतलब अभी क्या बाकी है? Group 2 ही बाकी है ना? Group 2 बाकी है, हाँ. तो ICI वाले को बोलते हैं 40 मार्क ज़्यादा हो गया वहाँ पे लगा देना हमारे. वो सर वो तो बेस्ट हो जाएगा. Too good, too good. Hello sir. अभी मैं प्रियंका से बात कर रहा था. Hi Aniket, how are you? Hi sir. खुशी वाले चेहरे देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है ठीक है आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू ऑल यस एक्चुअली आपका एड्रेस चाहिए था मुझे आई वांटेड टू मीट यू इन पर्सन एंड गिव यू स्वीट्स मैं अभी ना भाग के गुजरात आ गया हूँ यू विल नॉट बिलीव अरे सर अरे तू बिलीव नहीं करेगा दो तीन लोगों को अपना एड्रेस पता है तो दो तीन लोगों ने स्वीट्स और पेस्ट्रीज भेज दी मैं घर पे नहीं हूँ अपने घर पे काम चल रहा है तो आज मेरे वर्करों को okay. दिवाली मना रहे मेरे वर्कर लोग बैठ के वहाँ पे केक पहुंच गई केक काट के मेरे को फोटो भेजते सर आपका बर्थडे तो हमको तो पता है मेरा बेटा मेरा बर्थडे नहीं है somebody is saying sweet because कोई पास हो चुका है you know, it's like that. तो अनिकांत फिलहाल तू मत भेजना ठीक है मेरे वर्कर को इतना ज्यादा कुछ नहीं करते मैं आऊंगा पक्का तुझसे पर्सनली मिलेंगे ठीक है अच्छा सब लोग जिसको भी
एकेडमी ने वो एक फॉर्म फिल करने के लिए बोला जिसपे तुम लोगों को कुछ अवार्ड अवार्ड है एग्जेम्पशन आया तो अवार्ड छोड़ना नहीं ठीक है हाँ वो कर दिया था पहले ही हाँ मतलब अपने को जो 1000 1500 1500 मैंने भी कर दिया हाँ बिंदास दैट्स लाइक बनिया ये बनिया है प्रॉपर बनिया मैंने देखा सर क्रिया सर सब बाद में देखेंगे पहले हम फॉर्म फिल कर देते पहले तो सर एक्चुअली ग्रुप वन मेरा क्लियर हो गया था लास्ट टाइम दिसंबर 21 में टू गुड एंड इन जुलाई 21 आई गॉट एग्जेम्पशन इन SFM थैंक यू हाँ सो और तभी मैंने आपसे किया था अनअकैडमी एंड FR आई टुक योर पेंडेंट क्लासेस ऑफ प्रीवियस अटेम्प्ट आई थिंक इट वाज नवंबर 20 परफेक्ट है ठीक है पेंडेंट क्लासेस एंड सो दैट्स व्हाई मतलब कि दिसंबर 21 तक हो गया मेरा ग्रुप वन एंड बिकॉज द कोविड एंड ऑल ना वो दोनों ग्रुप नहीं हो पाया तभी ठीक है आज ले लिया ना मैं अभी प्रियंका से मैं अभी ये राधिका से भी यही बात कर रहा था राधिका वाज टेलिंग मी मेरा थर्ड फोर्थ अटेम्प्ट मतलब सब भूल जाओ यार आज नाम आ गया फॉरगेट अबाउट इट मैं तो एग्जाम देने नहीं जा रहा था है ना अपने को यही ध्यान रखना है कि हम लोग CA बन गए ठीक है हां करेक्ट एवरीथिंग दैट यू हैव टू डू इज नाउ ऑन योर ओन इट्स योर वर्ल्ड नाउ लूट लो करेक्ट तुम लोग को एक अनअकैडमी की प्रोडक्ट से मिलाता हूं ये रही बाजू में देखो अनअकैडमी की प्रोडक्ट मैरी So she started her inter with an academy, she did her final with an academy and she has become chartered. और मैं मैरी की एडवर्टाइजमेंट करता हूँ तो एकदम अच्छी तरह से कहता हूँ मदर ऑफ टू हैज टू टेक केयर ऑफ स्कूल टाइमिंग्स ऑफ चिल्ड्रंस और उसका बच्चा आगे पीछे बैठ के मेरे से पढ़ता रहता है तो मैरी ने फीस एक ही भरी पर उसके बच्चों को भी साथ में थोड़ा CA पढ़ा लिया ठीक है मैरी कॉन्ग्रेचुलेशंस Thank you so much. Mary, you got exemption in how many subjects? 4 subjects, sir. Please, वो form भर देना, 4000 रुपए ले लेना, ठीक है ना academy से? But as I'm telling you ना, एक बंदा join नहीं कर पा रहा है, वो busy है थोड़ा, पर Nishu. सो देयर वाज नो लाइट अचानक से लाइट आ गई अचानक से टीवी चालू हो गया सारी दुनिया ऑन हो गई है ठीक है सर एक बिग थैंक बोलना चाहता हूँ सर मैं आपको अगर उस समय आपने मुझे लिफ्ट नहीं किया होता तो क्या पता मेरा SFM एग्जामिनेशन मिस हो जाता मैं अटेम्प्ट ही नहीं दे रहा था मैं आई डोंट नो समहाउ मैं गुस्सा कर पाया तुझे ठीक है बिकॉज मुझे ऑनलाइन में गुस्सा करना डर लगता है बिकॉज सामने वाला मुझे कैसे ले रहा है मुझे नहीं पता ना ऑफलाइन होता ना तो मैं तो बजा देता था बच्चे लोगों को आज ही सुबह को एक बच्चे को सुनाया मैंने वॉज बिहेविंग वेरी किडिश तो मैंने उसको बताया दैट मेरे ऑनलाइन क्लासेस होते थे ना फेस टू फेस क्लासेस ऑफलाइन अपने तो फर्स्ट सेकेंड बेंच पे तो लोग बैठते नहीं थे सीरियसली लोग नहीं बैठते थे एंड नॉट बिकॉज जैसे मैं किसी को मारूंगा या एकदम चिल्ला के उसका इंसल्ट कर दूंगा बट आई ऑलवेज फील कि जो बच्चे यार सब दे आर लाइक किड्स दे आर लाइक फ्रेंड्स टू मी ना तो अपने फ्रेंड्स कैसे डांटते हैं कभी कभी एक को बजा दिया क्या कर रहा है कुछ उल्टा पुल्टा कर रहा है पर ऑनलाइन में आई डोंट नो कि किसी को कैसे डांटे ठीक है तो इस बंदे को तो मैंने बहुत डांटा यार बहुत मतलब इसको तो रुला दिया होगा मैंने तो डांटता आ जाती है अरे नहीं प्रियंका को जब डांटते थे ना मैंने वो वाला बैच लिया था जब आप प्रियंका को रोज क्लास में वॉइस कॉल पे लेते थे हाँ। और जब आप उसको डांटते थे तो अपनी अगर वहां पे उस पॉइंट पे गलती होती थी ना तो ऐसा लगता था कि सर खुद को भी पॉइंट आउट कर रहे हैं हम लोगों को गलती मतलब तो प्रियंका वो प्रियंका तो बेचारी खुद सामने से आ जाती थी शी यूज्ड टू लव यू नो रेजिंग हैंड एंड टॉकिंग टू मी इसको तो मैं ना ऐसे बोलता था तू हैंड रेस कर तो जरा तो बेचारा हैंड रेस करता था और इसको मैं एकदम ले लेता था यार सीरियसली सो दैट वाज सो मच ऑफ फन यू नो बट तू शुभम अकेला नहीं है मैंने बहुत लोगों के साथ ऐसे किया है और फैक्ट है कि बहुत लोगों का तबीयत सुधर गया है ठीक है सर मैं बल्कि आपको थैंक्स बोलूंगा अगर आपने नहीं झाड़ा होता तो क्या पता मैं मैरी टेल अस समथिंग अबाउट यू आर दिस पीपल आर हियर टू लिसन टू यू ऑल्सो Nothing special, sir. Nothing special. This is all down to earth, yeah. So down to earth. तू CA बन गई, मैरी तेरे को पता है तू CA बन गई है. Do you realize that you have become a chartered accountant? You know, all I have to do is I don't have to study again for break my head. Too good, guys. Too good.
बट मैं इन लोग को बता देता हूँ बिकॉज आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू मैरी एंड यू नो एवरी ईयर आई गेट कपल ऑफ स्टूडेंट्स लाइक दिस हुम फ्रॉम हुम आई गेट इंस्पिरेशन फ्रॉम यू आर वन ऑफ देम बीन मैरिड बीन टू किड्स एंड सच यंग किड्स यू नो एंड देन प्लानिंग आउट और आज क्वेश्चन आंसर कर दिया मैरी तेरा सुबह को कॉल ले रहा था ना मैंने कॉल ना क्लास में ले लिया और इंटर के बच्चों को सुनाया ये कॉल ठीक है सो गाइस शी क्लियर्ड हर इंटर इन लास्ट सितंबर जुलाई का अटेम्प्ट दिया था मैडम ने एंड शी क्लियर्ड हर इंटर ग्रुप टू और आप सोचो अभी अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च अप्रैल सेवन मंथ्स शी गेव बोथ द ग्रुप्स इन मे एंड शी क्लियर्ड हर इंटायर चार्टर्ड अकाउंटेंसी दिस इज फर्स्ट अटेम्प्ट इन सेवन मंथ्स मतलब दिस आर इंस्पिरेशन किसी दिन अपने को अपने आप पे कुछ ज्यादा फील हो ना कि हमने कुछ ज्यादा अचीव कर लिया तो इन लोगों के बारे में सोच लेने का देखो इन्होंने क्या अचीव किया तो तुम्हें और भी कुछ करना है ठीक है सर बट फ्रैंकली टू सब्जेक्ट इट वाज बिकॉज़ बट आई एम डिसअपॉइंटेड दैट आई डिडंट नो दैट्स ओके दिस टाइम दे वर लिटिल बिट स्ट्रिक्ट ऑन एसएफएम सो डोंट वरी अबाउट दैट आई एम प्रीटी हैप्पी दैट यू क्लियर्ड सीए यू नो इट्स दैट्स ओके नॉट टू वरी है ना आई डिड एसएफएम बेटर देन एफआर बट देन इट वाज वाइस वर्सा एफआर आई क्लियर बट आई सिंपली सेड बट आज एंजॉय कर लो आज बनता है क्या कहते हो आज एक दिन तो सर पार्टी है ना बिंदास और तुम लोग को फ्रीडम के कि मजे करो यार आज और एक दो दिन और मजे कर लो मैं तो कहता हूँ बट देन कम बैक टू बेसिक एंड स्टार्ट स्टडिंग फॉर योर ग्रुप टू गेटिंग दोस टू वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट तुम लोग को इन सब की हैप्पीनेस दिख रही होगी कि सी ए दोनों वर्ड लाना पूरा वर्ड लाना बहुत जरूरी है ठीक है अनिकांत खाली भागने के लिए रेडी है क्योंकि वो सोच रहा है सर बोले बस जाओ और मैं जा रहा हूँ यहाँ से स्वीट्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करना है कब से सुबह से वही काम चले मतलब ऐसा है कि ये काम पर एक्चुअली फास्ट स्वीट्स नोबडी इज डूइंग दैट ओके आई एम सेंडिंग यू स्वीट्स टू ऑल ऑफ यू ठीक है दिस टाइम आई विल डू अ रिवर्स ट्रेंड आई विल सेंड ओके लेट मी गेट बैक टू मुंबई आई विल सेंड यू अ नाइस बुक नॉट स्वीट्स आई विल सेंड यू ऑल अ नाइस बुक ठीक है तो मैं प्रोफेसर हूँ ना और वापस फिटनेस हूँ तो मैं स्वीट्स नहीं खिलाऊंगा तुम लोग को शुगर इज नॉट गुड सो आई विल सेंड यू नाइस बुक टू रीड आई होप यू ऑल रीड इट एंड सिंपल है गाइज एनी टाइम यू नीड एनीथिंग एल्स इन द वर्ल्ड जस्ट मैसेज ठीक है यस थैंक यू सर थैंक यू बाय बाय